तुम्ही या सगळ्यामध्ये काही वेगळी वाट तुम्ही का चोखळली, याबद्दल काय सांगाल तुम्ही? सी, कॅरियर तो मैंने भी सर्विस से शुरू किया था. मैंने अपना कॅरियर शुरू किया गोदरेज सोप से. अच्छा. वहां मैंने करीब 10 साल सर्विस की. उसके बाद जब मेरे दिमाग में एक एंटरप्रेन्योर बनने का विचार आया, तब मैंने ये एंटरप्राइज शुरू किया. नक्कीच, जसं तुम्ही म्हणालात की तुमच्या मनात विचार आला आणि त्यानंतर तुम्ही या सगळ्याकडे वळालात. मात्र मला असं विचारायचं आहे की साबणाचंच उत्पादन करावं असं तुम्हाला का वाटलं? साबणामध्येच तुम्ही का उतरला? मेरी एक्सपर्टीज सोप में ही थी. मैंने 10 साल सोप में मैन्युफॅक्चरिंग में काम किया था, तो इसके लिए मैं सोप में शुरू किया मैंने. नक्कीच, मला वाटतं मला मॅमना सुद्धा विचारायचंय. मॅम सुद्धा सीईओ आहेत कंपनीच्या, तर मला त्यांना असं विचारायचंय की साबण मध्येच का उतरावं मार्केटमध्ये असं तुम्हाला का वाटलं, याच्याबद्दल जर सांगायचं असेल प्रेक्षकांना तुम्हाला, तर काय माहिती द्याल तुम्ही प्रेक्षकांना? मुझे ऐसे पूछना है आपको कि आपने सोप में ही अपना ये क्यों किया, मार्केट लॉन्च क्यों किया? आपको क्यों लगा कि सोप में ही मैं उतरू और ये सब चालू करूं, ऐसे क्यों लगा? 96 तक तो मैं हाउसवाइफ थी, होममेकर. और उसके बाद बच्चे बड़े हो गए और राकेश ने ये फैक्ट्री चालू की सोप की, तो उसमें मैं साथ में लग गई और मेरा ऑन द जॉब मेरा पूरा ट्रेनिंग हुआ. फिर मेरे को संस्कृति से मैं बहुत जुड़ी हुई हूँ, मुझे साड़ी अच्छी लगती है, मुझे मतलब जो हिंदू संस्कृति है उसको अपनाना मुझे बहुत अच्छा लगता है. तो मैं फिर मिस्टर बंसल के पीछे पड़ी कि नहीं, हमें अपना साबुन इस प्रकार से निकालना चाहिए, जो इतने अच्छे आइडियाज हमारे वेदों से हमें कितना कुछ मिलता है ज्ञान, जो बाहर वाले ले रहे हैं और हम नहीं कर पा रहे हैं, ये तो बहुत खराब बात है. तो हमें आगे बढ़ना चाहिए इस चीज में. नक्की, जसं मॅमने सांगितलं की त्या तुम्ही कशा पद्धतीनं या सगळ्यामध्ये उतरलात, तर मला आता असं विचारायचंय की कुठलीही कंपनी जेव्हा आपण लॉन्च करत असतो त्यावेळेला आपल्याला त्याच्यासाठी पैशांची खूप आवश्यकता असते, तर मग ही कंपनी लॉन्च करण्यासाठी किंवा ही कंपनी सुरू करण्यासाठी तुम्ही पैसे जे आहेत ते कुठून आणले, म्हणजे थोडक्यात भांडवल जे आहे ते कुठून तयार केलं, त्याबद्दल जर सांगायचं असेल तर कसं सांग? सी, ये बिझनेस करीब करीब मैंने बिना पैसे की शुरू किया. अच्छा. विश्वास नहीं होएगा किसी को भी, क्योंकि मेरे को एक मित्र की फैक्ट्री मिल गई किराए पे. उसकी फैक्ट्री बंद पड़ी थी पिछले 5 सालों से, उसकी फैक्ट्री बंद पड़ी थी. तो उसने मेरे को ये फैक्ट्री किराए पे दे दी ऑन ए प्रॉफिट शेयरिंग बेसिस. उसने मुझसे कोई डिपॉजिट भी नहीं लिया, कोई फिक्स रेंट नहीं, प्रॉफिट शेयरिंग बेसिस पे उसने मुझे फैक्ट्री किराए पे दे दी. और मैंने बिजनेस शुरू किया कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग से. कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग में जो ब्रांड ओनर होते हैं वो पूरा मटेरियल देते हैं, मुझे कन्वर्ट करके उनको साबुन रिटर्न करना था. तो इस तरह से मेरा एक आधार बना. और फिर करीब 6 साल मैंने ये फैक्ट्री किराए की फैक्ट्री चलाई. और फिर मैंने खादी की एक REGP योजना होती है, जिसमें कि नॉर्मली अगर आप बैंक से पैसा लेने जाते हैं तो बैंक बोलेगा भाई 75% हम देंगे, 25% आप देंगे. उस 25% को मार्जिन कहते हैं. तो खादी की REGP योजना में मार्जिन मनी का भी 25% में से 15% खादी देता है. तो मेरे को सिर्फ 10% ही देना था. इस प्रकार से मैं अपना बिजनेस, अपनी फैक्ट्री चालू कर पाया. नक्कीच, जर हा अनुवेद साबणाची ओळख आपण म्हटली तर अनुवेद साबण म्हणजे हर्बल साबण असं म्हटलं जातं, तर का वाटलं की हर्बलच साबण का आपण मार्केटमध्ये लॉन्च करावा? काय यामागचा हेतू आहे? काय याच्यातनं तुम्हाला लोकांना सांगायचंय? हां, काय सांगाल ते? राईट. सी, जब मैंने साबुन ये शुरू किया 2004 में, उस वक्त एक्साइज कॉस्ट एक बड़ा इम्पोर्टेंट कॉस्ट माना जाता था. और सरकार की पॉलिसी थी कि अगर आप साबुन बनाते हैं बिना यूज ऑफ पावर तो आपको एक्साइज माफ थी. तो जितने भी हर्बल सोप मार्केट में थे वो सब बिना पावर यूज किए बनाते थे. और बिना पावर यूज करने की वजह से वो साबुन को पूरी तरह ड्राई नहीं कर पाते थे और साबुन की क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं रहती थी. परफ्यूम भी स्ट्रांग यूज करते थे, जिससे कि साबुन का जो बेस ऑडर है वो परफ्यूम द्वारा मास्क हो जाए. तो मैंने ये देखा कि जो हर्बल सोप है, लोग हर्बल वापरना चाहते हैं पर क्वालिटी अच्छी नहीं होने की वजह से उसको वापर नहीं पा रहे हैं. तो मैंने ये डिसाइड किया कि मैं एक अच्छा क्वालिटी का हर्बल सोप बनाऊंगा और उसमें मैं ट्राई करूंगा. तो मैंने एक किसी भी तरह से मैंने उसमें कॉस्ट कटिंग नहीं किया. मैंने कहा कि मेरे को एक अच्छा क्वालिटी का हर्बल सोप बनाना है और उसके लिए मैंने सबसे अच्छा बेस जो मार्केट में अवेलेबल था वो बेस लिया. और उसके बाद मैंने हर्ब जो है अलग से एक्सट्रैक्ट किया. उससे पहले शायद लोग हर्ब्स को तेल में डाल के उबालते थे रिएक्शन से पहले,
तो उसमें पता नहीं भगवान जाने कितना एक्सट्रेट बचा रहता होगा नहीं रहता होगा, क्योंकि इतने हाई टेम्परेचर पे एक्सट्रेट का गुणवत्ता कितनी बची रहती होगी हमें मालूम नहीं है। तो मैंने एक्सट्रेट एक लो टेम्परेचर से एक्सट्रेट कराया और फिर बेस में ऐड करके एक अलग ही पद्धति से हर्बल साबुन बनाना शुरू किया, सिर्फ क्वालिटी की ओर ध्यान देके। तो मैंने कहा अगर क्वालिटी होगी तो साबुन अपने आप बिकेगा, वर्ड ऑफ माउथ बिकेगा, और वही हुआ। नक्कीच, मी मॅम ना सुद्धा असं विचारते की सरने अभी जैसे बोला की ये श्रृंखला उन्होंने क्यों शुरू की, आपको क्या लगता है की ये श्रृंखला शुरू करने के पीछे, जैसे आपने बोला की आपको हिंदू संस्कृति से बहुत प्यार था, आपल्याला तुम्हाला खूप आवडायची हिंदू संस्कृति, आपको क्या लगता है ये श्रृंखला में आप क्यों उतरे, का उतरला तुम्ही या श्रृंखलेमध्ये, काय सांगायचे तुम्हाला? शुरू में तो मैं इसलिए उतरी क्योंकि मेरे बच्चे बड़े हो गए थे, तो इसलिए मेरे को कुछ करने को नहीं था। उस टाइम मेरे को कोई ऐसा ज्ञान नहीं था कि मैं आगे क्या करने जा रही हूँ। फिर ऑन द जॉब मेरी पूरी ट्रेनिंग हो गई, फैक्ट्री भी देखी, मशीनें भी देखी, कॉन्फिडेंस बढ़ता गया और धीरे धीरे मैं सीईओ की पदवी पे आ गई। ओके, तो उसके बाद जब ये हमने साबुन निकाले और ऐसे ऐसे पंचामृत, मतलब किसी ने सोचा भी नहीं था, और इतना अच्छा उसका असर हुआ। हाँ, इतना मतलब मॉइस्चराइजिंग सोप है, या फिर ऐसे लगता है कि अरे तुम पूजा ही कर रहे हो नहाते हुए। तो ये सब देख के, और प्लस लेटर्स जो हमारे को आते हैं, अप्रिसिएशन लेटर्स, कोई बोलता है मैं मरते दम तक ये यूज करूंगा, कोई बोलता है कि मैं इतने सालों से ये फला साबुन यूज कर रहा हूँ, अब वो छोड़ दिया है, मैं ये यूज करना चाह रहा हूँ। नक्कीच, तो ये सब देख के अपना कॉन्फिडेंस बढ़ता गया और हम आगे बढ़ते गए। हर साल हम एक नया साबुन निकालते हैं। नक्कीच, मला वाटतं या अनुवेद साबणाबद्दल आपण अजून सविस्तर लोकांना सांगूया, मात्र एका छोट्याशा विश्रांतीची वेळ झाली आहे, एक छोटीशी विश्रांती घेऊन आपल्या कार्यक्रमामध्ये लगेचच भेटतोय, तुम्ही मात्र कुठेही जाऊ नका, पाहत राहा टॉक टाइम। गर्भवती महिला को पीले नारंगी फल और सब्जी, हरी सब्जी, दूध और दही खिलाओ, तरह तरह का खाना खाओ, हर तरह का खाना खाओ। गर्भवती होने की वजह से कभी कभी अगर खाने का मन ना हो तो पूरा खाना एक साथ नहीं, थोड़ा थोड़ा करके कई बार खाओ। सही पोषण, देश रोशन, नहीं रहे कहीं कुपोषण। देवासाठी फुलं, प्रसाद, सगळं झकास, मग अगरबत्ती का बकवास? साधारण अगरबत्ती मध्ये असतात हानिकारक केमिकल्स, यामुळे बिघडतं आपलं आरोग्य। सादर आहे उल्लास अगरबत्ती, जिवंत सेफ लॅब टेस्टेड फ्रेग्रन्स ने। आता साधारण अगरबत्ती नाही, उल्लास घेऊन या। नवीन रेडमी नोट 5 प्रो 12 मेगापिक्सल ड्युअल कॅमेरा, मस्त ना? आणि नेटवर्क जिओ, ऑब्व्हियसली, का बरं? अरे आपला रेडमी नोट 5 प्रो चा कॅमेरा सुपर आहे, आणि फोटो अपलोड करण्यासाठी जिओचा 4G नेटवर्क सुद्धा, म्हणजे रेडमी नोट 5 प्रो सारखा सुपर फोन असेल आणि देशातील सर्वात उत्तम नेटवर्क जिओ ही असेल। बस सर, बनते एक परफेक्ट जुगलबंदी। हर रोज अकेले किचन संभालना आसान नहीं, सबकी फरमाइशें पूरी जो करना चाहती हूँ, पर मेरे पास प्रेस्टीज है। एलिगेंट मिक्सर ग्राइंडर ही ले लो, मसाले, चटनी, बड़े का मिक्स या जूस सब संभालो, और सिर्फ प्रेस्टीज देता है होम सर्विस। कोई ना भरोसे वाली बात, जो अपनों से करे प्यार वो प्रेस्टीज से कैसे करे इनकार? मला अंडरवेअर पाहिजे, डिक्सी स्कॉट, एवढीच ही घ्या तुमची आवडी, आता होईल तर समजदारांनो समजून घ्या, हिच्या इलास्टिक मध्ये आहे स्पॅन्डेक्स, डिक्सी स्कॉट, फुल्ली इलास्टिक, फुल्ली फॅन्टास्टिक। नवा कॅमेरा, नवीन पॉवरफुल प्रोसेसर आणि नवीन फुल स्क्रीन डिस्प्ले सह रेडमी नोट 5 प्रो इंडियाचा अल्टिमेट नोट। शाओमी। आज परत परत आणते घामामुळे होणारे इन्फेक्शन, म्हणूनच वरचेवर घरगुती उपाय सोडा आणि घेऊन या मेडिकेटेड क्रीम इच कार्ड, याचा ट्रिपल ऍक्शन फॉर्म्युला त्वरितात जाऊन इन्फेक्शन हटवतो आणि आयसी कूल मेंथॉल देतो थंडगार आराम। इच कार्ड, खाजीपासून त्वरित आराम। नया खुशबूदार लेयर शॉट, लेयर शॉट। अब
अभ्यंग स्नान म्हणजे दिवाळीचं स्वागत ना, मग ते एवढं नीरस का? या वर्षीचं दिवाळीचं अभ्यंग स्नान अनुवेद, एक नवी प्रथा पाडूया. खास दिवाळीसाठी चंद्रम, केवडा, पहाडी गुलाब आणि उठणे, पवित्र स्नानाचा आनंद. डॉक्टर इमरे, आपल्या सगळ्यांचं पुन्हा एकदा स्वागत. आजचा आपला विषय आहे अनुवेद साबणाचं संस्कृतीशी नातं, आणि याच विषयावर आपल्याला मार्गदर्शन करतायत राकेश बन्सल आणि अनुराधा बन्सल. लगेचच आपल्या चर्चेला सुरुवात करूया. सर, ब्रेकवर जाण्यापूर्वी मॅमनी जसं सांगितलं की ही श्रृंखला तुम्ही का सुरू केली, मॅम याच्या सीईओ कशा झाल्या, तर मला असं विचारायचं हे सगळं सुरू करत असताना आव्हानांचा सामना जो आहे तो तुम्ही कसा काय केला, हे जे सगळे चॅलेंज आहेत. मार्केटमध्ये खूप वेगवेगळे साबण आहे, मात्र आपला हा हर्बल साबण आहे, कसं काय हे सगळं तुम्ही स्वीकारलं याबद्दल सांगायचं असेल तर कसं सांगाल? सी, इस मार्केट में सबसे बड़ा चैलेंज जो मैं देखता हूं वो है इनोवेशन का, क्योंकि जैसा आपने बोला मार्केट में साबुन बहुत है. इनफैक्ट जब मैं शुरू शुरू में खुद ही अपना बाजार के काउंटर पर खड़ा हुआ था तो किसी ने पूछा भी मुझसे कि इतने साबुन मार्केट में, आपने साबुन और क्यों निकाला? तो यस, इनोवेशन होना चाहिए. हमने साबुन निकाला, पंचामृत साबुन निकाला. हम लोग बचपन से पूजा करते आ रहे हैं, हम देखते हैं कि हम पंचामृत बनाते हैं और आइडल की हम उससे वर्शिप करते हैं, पर किसी के दिमाग में नहीं आया कि हम आइडल की जब पूजा कर रहे हैं, जब आइडल को एक्चुअली हम बात देते हैं पंचामृत से पूजा से पहले, तो जब हम आइडल को बात दे रहे हैं पंचामृत से, हम खुद पंचामृत से बात क्यों नहीं लेते हैं अपने को पवित्र करने के लिए? तो उस कंसेप्ट पर हमने पंचामृत साबुन निकाला. कंसेप्ट है पंचामृत का, उसमें हमने एक्चुअल पंचामृत डाला, देसी घी डाला, दूध डाला, दही डाला. उसका साइड बेनिफिट यह है कि इट्स ए ग्रेट मॉइस्चराइजिंग सोप. अच्छा, इट्स ए पंचामृत सोप बट इट्स ए ग्रेट मॉइस्चराइजिंग सोप. तो उस तरह से हम इनोवेशन करके अपनी पुरानी संस्कृति के ऊपर से कंसेप्ट लेके हमने साबुन निकाले. हमने विभूति साबुन निकाला, हवन की राख से हमने विभूति निकाला, विच इज एन एक्सलेंट स्क्रब सोप. अभ्यंग स्नान के दिन आप तेल लगाते हैं, उसके बाद आप उठने लगाते हैं, उसके बाद आप साबुन से नहाते हैं, तो हमने साबुन और उठने कंबाइन करके उठने सोप निकाला. अच्छा. हमने अष्टगंधा सोप निकाला. अभी इस साल हमने तुलसी दुर्वा सोप निकाला. आप कभी भी पूजा करते हैं तो जो भी चीज आप आइडल को लगा रहे हैं वो दुर्वा का आप पूरा बना के फिर आप लगाते हैं, तो हमने तुलसी दुर्वा के कॉम्बिनेशन सोप निकाला. तो हम इनोवेट करते हैं कि हम नए नए कंसेप्ट, जिससे कि व्यक्ति को एक लाभ मिले, अपने पुराने ज्ञान का लाभ मिले और उसको एक आनंद भी मिले, पवित्र स्नान का आनंद मिले. नक्की, जसं तुम्ही सांगितलं की प्रत्येक वेळेला किंवा प्रत्येक वर्षी तुम्ही वेगवेगळे साबण लॉन्च करत असता, जसं की यावेळेला तुम्ही एक नवीन साबण लॉन्च केलाय तुलसी आणि दुर्वाचा, तर मला असं विचारायचंय की इतर साबणांपेक्षा जर यामध्ये काही वेगळेपण शोधायला गेलो आपण, तर कसं काय लोकांनी शोधायचं, यामध्ये काय वेगळेपण आहे, काय खासियत आहे असं म्हटलं तर योग्य ठरेल? मला वाटतं काय खासियत आहे काय सांगू शकतो? सी, हमारी साबुन में एक टेक्निकल चीज होती है टोटल फॅटी मॅटर, TFM, जो सरकार की तरफ से अनिवार्य है, आपको साबुन पे लिखना ही होता है TFM. आप देखेंगे तो हमारी साबुन में TFM 80% है, दैट इज द हाईएस्ट. 80% TFM से ज्यादा हो ही नहीं सकता. तो अवर सोप्स, इट इज अ इंडिकेशन ऑफ प्योरिटी, तो अवर सोप्स हैव 80% TFM, यानी कि ये प्योरिटी की मात्रा में एकदम सबसे खरी है. दूसरा, साबुन में हमने कोई भी स्ट्रक्चरेंट, फिलर नहीं डाला है, जिससे कि आपको, वापस बोलूंगा, एक प्योर साबुन हमने निकाला है. क्योंकि कई लोग स्ट्रक्चरेंट डाल देते हैं क्योंकि उनको ज्यादा मात्रा में साबुन बनानी होती है, उनको फास्ट प्रोसेस करना होता है. हमें फास्ट नहीं प्रोसेस करना, हम जिस स्पीड से बना रहे हैं हम उस स्पीड से बना के खुश हैं. हमें उसमें कोई फिलर नहीं डालना है, हमें किसी से कम्पीट नहीं करना है कि वो साबुन इतने ग्राम इतने रुपए का मिलता है, आपका साबुन इतने ग्राम इतने रुपए का क्यों है, हमारा साबुन है महंगा, हम उसमें फिलर नहीं डाल रहे. तो हम अपने प्रिंसिपल के ऊपर साबुन बना रहे हैं और इसके लिए हमारा साबुन यूनिक है. हमारा साबुन है महंगा पर ज्यादा चलता है. सही बात है. आता मला असं विचारायचंय की या साबणाच्या माध्यमातून तुम्हाला स्त्री शक्तीचं प्रदर्शन जर घडवायचं असेल तर ते तुम्ही कशा पद्धतीनं घडवताय, म्हणजे थोडक्यात स्त्री शक्ती सबलीकरण जे आहे ते कशा पद्धतीनं या सगळ्यांना तुम्ही करण्याचा प्रयत्न करताय? काय ये प्रयत्न घर से ही शुरू होता है, मेरी वाईफ सीईओ है. तो क्योंकि मेरा यह मानना है कि कोई भी सोसाइटी में, अगर सोसाइटी को प्रॉस्पर करना है तो लेडीज को एम्पावरमेंट बहुत जरूरी है. हमने फैक्ट्री में भी अबाउट 50% ऑफ आवर एम्प्लॉयज आर वीमेन, और मुझे खुशी है कि हम जो हमारी फैक्ट्री एक रूरल एरिया में है, कि रूरल हाउसहोल्ड्स में हम एक अपना सपोर्ट कर पा रहे हैं उनकी गृहिणी को एक इज्जत से कमाई के जरिए के द्वारा. नक्की,
मी मॅमना सुद्धा एक छोटासा प्रश्न असा विचारते की जसं सरांनी सांगितलं आम्हाला की तुम्ही दरवर्षी आणि तुम्ही सुद्धा म्हणालात की आप हर साल म्हणजे दरवर्षी तुम्ही वेगवेगळे साबण लॉन्च करता आणि यावर्षीचा तुम्ही लॉन्च केलेला साबण आहे आणि यावर्षीचा